नमस्कार दोस्तों, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 7.3 डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे। सब बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज के फार्मूला आपको बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज क्या हैं, एक्सरसाइज 7.3। बच्चों, डेरिवेटिव अगर हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स एक्स का, सो डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कोस का आ जाए तो वो होता है हमारे पास -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है बच्चों हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट का बच्चों इसका माइनस में होता है, जो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उसका माइनस में हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स हमारे पास होता है 1/(x√x²-1)। डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट इनवर्स एक्स, ये सेम होता है बच्चों, इसके आगे माइनस लग जाएगा, x√x²-1। सिंपल से बात ये है कि आपको तीन फार्मूले लर्न होने चाहिए, तो फर्स्ट और एक थर्ड और एक सिक्स्थ। जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, कोस इनवर्स एक्स का भी वही है लेकिन माइनस आ जाएगा बस। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स के रहा तो कोट में माइनस आ जाएगा। सीकेंट का अगर 1/(x√x²-1) है तो कोसीकेंट में माइनस आ जाएगा। तो बच्चों, आपको ये तीन फार्मूले लर्न करने हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। लेकिन बच्चों, कई बार हमारे पास एक्स को छोड़ के कुछ और आ जाए अगर, जैसे डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास साइन इनवर्स यू आ जाए, अगर एक्स ना हो, एक्स को छोड़ के कुछ भी हो उसको हम एज्यूम करते हैं यू, तो ये एक्स नहीं है, ये यू है, तो इसका डेरिवेटिव वही होगा बच्चों जो ये है 1 - x या यू आ जाएगा, 1 - u² सारे का स्क्वायर रूट। और लेकिन यू के केस में डेरिवेटिव ऑफ यू अलग से आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे ही किया है। सो यू के केस में डेरिवेटिव ऑफ यू अलग से आ जाता है। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स यू 1/1 - u² और डेरिवेटिव ऑफ यू। इसी तरह से टेन इनवर्स यू में बच्चों, टेन इनवर्स यू का भी ऐसे ही होगा, 1/1 + x² यहाँ पे 1 + u² आ जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ यू अलग से। अब बच्चों, ये यू का मतलब क्या है, ऐसे ही सभी फार्मूलों में ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। ये यू का मतलब क्या है बच्चों, जैसे सपोज हमारे पास ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, y = tan inverse 2x³। अब बच्चों, ये x तो नहीं है ना, तो ये क्या है, 2x³ है, और x को छोड़ के कुछ भी आ जाए उसको हम मानते हैं u। तो tan इनवर्स u का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो y का बच्चों आएगा dy/dx। बच्चों, सबसे पहले आप इन फार्मूलों को लर्न करोगे, जब आपको ये फार्मूले लर्न हो जाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, अगर आपको फार्मूले लर्न हो गए तो y = tan inverse u का डेरिवेटिव। अब tan inverse u का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 1/1 + u² यानी 1/1 + u². u क्या है हमारे पास, 2x³² फिर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसका, u का, 2x³ का। सो बच्चों, यहाँ पे आया 1/1 + 2x³² 2 का स्क्वायर 4x³ का x^6 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2 तो कॉन्स्टेंट है, x³ का 3x². सो बच्चों, यही इसका आंसर। इसी तरह से बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, y = cos inverse sin x। बच्चों, इसको डायरेक्ट हम साइन को कोस में चेंज कर दें तो डायरेक्ट cos inverse (cos)1 हो जाएगा, और या दूसरा हम y = cos inverse u का 1 by
रूट वन माइनस यू स्क्वायर, यू क्या है, यही होता है ना कोस इनवर्स यू का, माइनस वन बाई वन माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, माइनस वन बाई वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा बच्चों कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कोस एक्स आ जाएगा बच्चों, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, सो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, सो बच्चों हमारे पास आंसर आया माइनस वन। तो इसी तरह से बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप खुद करें, फोर्थ खुद करेंगे, फोर्थ चलो मैं करवा देता हूँ, फोर्थ पार्ट इसका, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इंटू टू साइन इनवर्स x। अब इसका बच्चों डेरिवेटिव करेंगे, अब ये साइन इनवर्स नहीं है बच्चों, ये साइन u, अब साइन u का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos u, u कितना बच्चों टू साइन इनवर्स x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है बच्चों टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब बच्चों ये एज इट इज, अब टू साइन इनवर्स x है, टू तो कॉन्स्टेंट, और साइन इनवर्स x का वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों आप खुद करेंगे, कोट यू का फार्मूला लग जाएगा, सिक्स पार्ट देखिए बच्चों, सिक्स पार्ट, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देखिए बच्चों कोट इनवर्स को अगर हमें टेंजेंट में चेंज करना हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लिख सकते हैं, जो ये न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में, यानी वन प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और वन माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। और बच्चों इस क्वेश्चन को और सिंपल बनाने के लिए अगर मैं पुट करूं एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास टेन इस साइड आके टेंजेंट इनवर्स एक्स। सो बच्चों वाई का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस एक्स की जगह हमने टेंजेंट थीटा पुट किया, तो टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट किया, टेंजेंट थीटा, तो वन प्लस टेंजेंट थीटा वन माइनस टेंजेंट थीटा, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ये फार्मूला भी बताया था, तो ये टेंजेंट पाई बाय, अगर ऊपर प्लस है तो पाई बाय फोर प्लस का, अगर माइनस है तो पाई बाय फोर माइनस का फार्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस थीटा का। सो वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस थीटा का फार्मूला, और ये हो गया बच्चों हमारे पास वन, सो वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस थीटा, सो वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस थीटा क्या है हमारे पास बच्चों टेन इनवर्स एक्स, सो टेन इनवर्स एक्स, सो थीटा की वैल्यू रखिए। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाय फोर का हमारे पास जीरो, प्लस टेन इनवर्स एक्स का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट, वाई दे रखे हमें कोट इनवर्स वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। बच्चों मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, जब भी वन प्लस कोस एक्स आ जाए, वन प्लस कोस आ जाए, तो हम इसको टू कोस स्क्वायर, अगर माइनस आए तो टू साइन स्क्वायर। सो इसको मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, बजाय इसके कि मैं इसको कोट इनवर्स यू का फार्मूला लगाऊं तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो सबसे जब भी वन प्लस कोस या वन माइनस कोस आ जाए तो उसकी आप मल्टीपल फार्मूले में चेंज करोगे, तो इसका मल्टीपल फार्मूला क्या है बच्चों, वन प्लस कोस का टू कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे है उसका हाफ एक्स बाय टू। बच्चों देखिए मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ये फार्मूले बताए थे आपको कि जब भी वन प्लस कोस आ जाए तो उनको टू कोस स्क्वायर, और वन माइनस कोस आ जाए तो उसको टू साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ। अब साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए कोस ए, और साइन ए का क्या आ जाएगा टू साइन ए बाय टू, यानी टू साइन ए बाय टू, यानी एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू। बच्चों देखिए ये फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास बहुत सिंपल बच गया, सम कोट इनवर्स कोस बटे साइन होता है कोट एक्स, कोस बटे साइन कोट, और बच गया एक्स बाय टू, और कोट इंटू कोट इनवर्स वन बच्चों, सो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स बाय टू। अब वाई का डेरिवेटिव करें, देखो कितना सिंपल हो गया, अगर यहाँ पे हम कोट इनवर्स यू का फार्मूला लगाते तो बहुत लेंथी हो जाता,
तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बच्चों और एक्स का वन, सो आंसर वन बाय टू आ गया हमारे पास बच्चों। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बस रेसिप्रोकल में है, उल्टा है, ऊपर साइन एक्स नीचे वन प्लस कोस है। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, सेकंड का थर्ड पार्ट, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। बच्चों जब भी हमारे पास वन माइनस कोस आ जाए, मैंने बताया था टू साइन स्क्वेयर लिखेंगे हम, और जितने यहाँ पे एक्स है तो उसका हाफ एक्स बाय टू, और नीचे टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू, टू से टू कैंसल। सो वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वेयर बटे कोस स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर, और उसका स्क्वेयर रूट टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय टू, और इस सारे का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसल। सो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय टू, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बाय टू, तो एक्स बाय टू बन जाएगा, एक्स बाय टू बच जाएगा, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाय टू का अगेन हमारे पास वन बाय टू डेरिविटी। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे बच्चों, फिफ्थ पार्ट भी आप खुद ही करेंगे, वहां पे वन, फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे वन प्लस कोस थ्री एक्स है, तो यहाँ पे थ्री एक्स बाय टू आ जाएगा बच्चों, थ्री एक्स बाय टू सेम है, खुद करेंगे आप लोग। सिक्स्थ पार्ट करते हैं हम, सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बच्चों देखिए यहां पे टेन इनवर्स, अगर मैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को यहां अंदर डिवाइड कर दू कोस से, तो अंदर क्या बन जाएगा, यहां पे वन, अब इसको कोस से डिवाइड करें टेंजेंट एक्स, और यहां पे इसको कोस से डिवाइड करें वन प्लस साइन बटे कोस टेंजेंट एक्स। और आपको मैंने कल इस पिछली एक्सरसाइज में फार्मूला बताया था वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स का, क्या फार्मूला था बच्चों, वो टेंजेंट इनवर्स, ये क्या है इसका फार्मूला, टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस एक्स का फार्मूला बच्चों ये, और ये आपको पता है ये वन, ये बच गया, बच जाएगा हमारे पास पाई बाय फोर माइनस एक्स, और वाई का डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाय फोर का बच्चों जीरो और एक्स का वन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड का सेवेंथ क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। बच्चों y का dy वाई बाई डी एक्स, वाई का भी नहीं करते बच्चों डेरिवेटिव, एक सेकेंड, अभी सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। कोट इनवर्स, अब बच्चों आपको पता है कि 1 माइनस साइन एक्स किसी का फार्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कोस होता है यहाँ पे तो ये फार्मूला बन जाता 2 साइन स्केयर का, और 1 प्लस कोस होता तो 2 कोस स्केयर, तो इन साइन को किस में चेंज कर लो बच्चों, कोस में, तो यहाँ पे वन माइनस साइन को चेंज करो कोस में, वन माइनस कोस, साइन को कोस 90 माइनस एक्स कह सकता हूँ, और नीचे भी सेम बच्चों वन प्लस साइन एक्स को कोस 90 माइनस एक्स कह दिया, सारे का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे बच्चों वाई इजिकल टू कोट इनवर्स, मैंने आपको बताया है कि जब भी वन माइनस कोस आ जाए तो क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर, कितना, जितना यहाँ पे उसका हाफ एंगल में है उसका हाफ, पाई बाय टू का हाफ पाई बाय फोर माइनस एक्स का हाफ एक्स बाय टू। इसी तरह से बच्चों नीचे प्लस में टू कोस स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, टू से टू कैंसल, वाई इजिकल टू साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर का रूट हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय फोर और माइनस एक्स बाय टू। बच्चों देखिए कोट इनवर्स, जब भी टेंजेंट को कोट में चेंज करना हो तो यहाँ पे पाई बाय फोर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और प्लस हो तो माइनस आ जाएगा, तो इसी तरह से कोट को अगर टेंजेंट में चेंज करना तो उसको भी ऐसे ही हम करेंगे, तो टेंजेंट को कोट में चेंज करना हो तो कोट कर दिया तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या बन गया पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। बच्चों ये वन, सो वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर
प्लस एक्स बाय टू बच गया हमारे पास। सो वाई का क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाय फोर का जीरो प्लस एक्स बाय टू का वन बाय टू। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका एट्थ पार्ट, सेकंड का एट्थ पार्ट वो है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। देखिए बच्चों y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x को 1 बाय कोस x कह सकता हूं, टेंजेंट x को मैं साइन x अपॉन कोस x कह सकता हूं। आप बच्चों ये सोच रहे होंगे यहाँ पे टेन इनवर्स यू का फार्मूला लगा दें तो भी तो आंसर आ जाएगा। बच्चों आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपका और बड़ा मुश्किल हो होगा आपको आंसर मैच करना, तो इसलिए इसको जब हमारे को इनके फार्मूले पता है तो हमें इनको फार्मूले से सोल्व करना चाहिए ताकि बहुत ईजी बन जाए। और हमारा मकसद भी यही है कि हम सम को ईजी से ईजी वे बना करके करें। सो वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स यहाँ से कोस एक्स एलसीएम और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि 1 प्लस साइन कोई फार्मूला नहीं होता, तो 1 प्लस कोस का होता है ना, तो साइन को कोस में चेंज कर लो और नीचे कोस को साइन में चेंज करो। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन को कोस में चेंज करो तो कोस 90 माइनस एक्स, इसी तरह से कोस को साइन में साइन 90 माइनस एक्स। अब बच्चों 1 प्लस कोस का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर बाहर है टेंजेंट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर और ये क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसका हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और बच्चों नीचे है ये है साइन a, साइन ए का फार्मूला 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2, यानी 2 साइन ए बाय 2 यानी इसके बटे दो करेंगे आप पाई बाय, इसके बटे दो करें पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यानी 2 साइन ए बाय 2, ए क्या हमारे पाई बाय 2, पाई बाय 2 बाय 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, कोस ए बाय 2 ए कितना है बाय बच्चों पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसके बटे दो करें तो बनेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सो बच्चों 2 से 2 कैंसिल और एक कोस से कोस कैंसिल, हमारे पास बचा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस बटे साइन, हमारे पास बच गया कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और y इज इक्वल टू बच्चों मैंने बताया है आपको कोट को अगर टेंजेंट में चेंज करना हो तो टेंजेंट में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो टेन इनवर्स ये टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स बाय 2। बच्चों आपको ये मैं बता भी देता हूँ कि कैसे आएगा प्लस, देखिए कोट ये है हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब कोट को टेंजेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा 90 माइनस ये सारा, जब ये सारा करेंगे माइनस पाई बाय 4 और माइनस करेंगे जब इसको ये प्लस हो जाएगा, कोट टेंजेंट में चेंज कर दे 90 माइनस 45 तो 45 बच जाएगा, यानी ये पाई बाय 4 बच जाएगा प्लस एक्स बाय 2। तो हमने यही तो किया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 1, तो आंसर y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, पाई बाय 4 का 0 और x बाय 2 का 1 बाय 2। सो बच्चों बढ़ते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे u अपॉन v, यहाँ पे कोई हमारे पास शॉर्टकट नहीं है कि इसको पुट करें तो आंसर आ जाएगा, सेम इसको हमें कोशेंट रूल लगा के ही करना होगा। सो y का बच्चों dy वाई बाय डी एक्स, कोशेंट रूल क्या कहते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कौन है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला कौन है बच्चों रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों यहां पे देखिए dy बाय डी एक्स
ये रूट ऊपर वाला देखिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसका डेटी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल कैसे, एक्स ऐसे कैसे साइन इनवर्स एक्स का, वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे, एक्स का डेरिवेटिव वन, इस ये ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव हो गया बच्चों माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे। अब इसका डेरिवेटिव करना है रूट यू, रूट यू का डेरिवेटिव बच्चों वन बाय टू रूट यू, वन बाय टू रूट यू वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यू का वन का जीरो और माइनस एक्स का माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स। सो बच्चों टू से टू कैंसिल, और डिवाइड में सारी के इसके स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, वन माइनस एक्स स्केयर है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर ये बनेगा हमारे पास अंदर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको वन माइनस एक्स स्केयर के रूट को यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर। ये देखिए बच्चों यहाँ पे अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर, अब इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर ये अपॉन में वन, और यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस और माइनस से हो गया प्लस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और ये है साइन इनवर्स एक्स बटे वन माइनस एक्स स्केयर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर, और सारे के डिवाइड में बच्चों वन माइनस एक्स स्केयर पड़ा है। सो बच्चों देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर वाली का ऊपर यहां से एलसीएम आ गया वन माइनस एक्स स्केयर, तो ये ऊपर ऐसे कैसे एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर, जब इसका इसके एलसीएम ये आया वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर यहाँ पे, तो इसका रूट हट जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, और इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस इससे ये कैंसिल, ये एज इट इज एक्स स्केयर इंटू साइन इनवर्स एक्स बच्चों, और नीचे ये भी पड़ा है वन माइनस एक्स स्केयर इसके डाउन में एज इट इज। सो बच्चों यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये बचेगा साइन इनवर्स एक्स, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्केयर साइन इनवर्स एक्स प्लस ये एक्स स्केयर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में वन माइनस एक्स स्केयर की पावर वन और ये पावर हाफ, तो ये कितनी होगी बच्चों वन माइनस एक्स स्केयर की पावर थ्री बाय टू, और इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास आंसर क्या आया एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्केयर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर सारे की पावर थ्री बाय टू। बढ़ते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए प्लस बी कोस एक्स बटे बी प्लस ए कोस एक्स। बच्चों देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स यू का फार्मूला लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, कोई शॉर्ट वे नहीं है, तो लेकिन ध्यान से हमें लगाना है बच्चों, ये फार्मूला ध्यान से लगाना है। सो एक एक स्टेप को बिल्कुल क्लियरिटी में करना है, हमने आराम आराम से करना है। कोस इनवर्स यू का डेरिवेटिव वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कोस इनवर्स यू का बच्चों डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय रूट वन माइनस यू स्केयर, कोस इनवर्स यू का वन बाय वन माइनस यू स्केयर यानी ए प्लस बी कोस एक्स बटे बी प्लस ए कोस एक्स, सारे का स्केयर करना है बच्चों यू स्केयर यानी ऊपर वाले का भी स्केयर और नीचे वाले का भी स्केयर, और डेरिवेटिव ऑफ फिर यू का। अब बच्चों जब डेरिवेटिव यू का करेंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्केयर बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्केयर, नीचे वाला ऐसे कैसे यानी बी प्लस ए कोस एक्स ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेटी ए का जीरो और बी कोस एक्स का, ए का जीरो हो जाएगा बी कोस एक्स का बी कॉन्स्टेंट और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब बच्चों ऊपर वाला ऐसे कैसे माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव।
अब नीचे वाली कौन है बच्चों, बी प्लस ए कोस एक्स, बी का जीरो और ए कोस एक्स का माइनस ए साइन एक्स। अब माइनस ए साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पे, माइनस लिखें तो माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स। अब बच्चों यहां पे देखिए डी वाई बाय डी एक्स माइनस वन अपॉन, नीचे इसका एलसीएम हो गया हमारे पास के रूट के अंदर, बी प्लस ए कोस एक्स सारे का एलसीएम। जब ये एलसीएम हो गया तो ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये एज इट इज ए प्लस बी कोस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई में माइनस बी साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स। जब ये साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए, ये है हमारे पास बच्चों ए स्क्वायर साइन एक्स, ए स्क्वायर साइन एक्स है बच्चों, ए स्क्वायर साइन एक्स। जब ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो होगा प्लस ए बी, ये ऊपर ए बी कोस एक्स है बच्चों, यहाँ पे कोस एक्स है तो ए बी साइन एक्स कोस एक्स ये बनेगा बच्चों हमारे पास। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन स्केयर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला, एक ए प्लस बी की स्केयर का फार्मूला, ए स्केयर एंड बी का स्केयर प्लस ए का स्केयर कोस का स्केयर एक्स प्लस टू ए बी, टू ए बी ए कोस एक्स। अब यहाँ पे इसको खोलो बच्चों माइनस, जब इसको खोलेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस स्केयर एक्स प्लस टू ए बी कोस एक्स, और डिवाइड में बच्चों ये स्केयर रूट है इसका भी, इस देखो यहाँ पे सारे का स्केयर रूट है तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो नीचे बच गया ए बी प्लस ए कोस एक्स, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया बच्चों नीचे वाले से। ओके इसके बाद बच्चों आगे बचा हमारे पास नीचे, यहाँ पे ये भी था नीचे देखिए बी प्लस ए कोस एक्स, हमसे छूट गया था बच्चों यहाँ से देखिए, और यहाँ क्या क्या बच गया बच्चों, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से इसमें से और इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉमन अगर आएगा हमारे पास तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है बच्चों ये बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया बच्चों, ये पावर इससे एक स्क्वायर कैंसिल, जो बचा हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस पड़ा हुआ है डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर डी वाई बाय डी एक्स, यहां से इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, जब ये खुलेगा ब्रैकेट खुलेगी तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस के साथ जब खुलेगा तो मैं चलो खोल के दिखाता हूँ बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी कोस एक्स। जब ये माइनस के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस के साथ खुलेगा माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और ये बच्चों ये क्या है माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस का टू ए बी कोस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। सो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाले इकट्ठे कर ले माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये बच गया बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस साइन एक्स डिवाइड में इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में बच्चों देखिए यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, बी स्क्वायर कॉमन अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया माइनस के साथ, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर ये प्लस का वन बच गया, और इसमें से माइनस भी कॉमन ले लिया ए स्क्वायर भी, तो ये माइनस का कोस स्क्वायर एक्स बच गया बच्चों।
इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसी सम को आगे। तो यहाँ पे डी वाई बाय जो डी एक्स आया हमारे पास वो क्या आया, माइनस का साइन एक्स इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर अपोन में, यहाँ से देखो वन माइनस कोस के रेक्स दोनों से कॉमन, और वन माइनस कोस के रेक्स होता है साइंस के रेक्स, यानी बी स्केयर साइंस के रेक्स, और यहाँ पे आया माइनस ए स्केयर साइंस के रेक्स। अब बच्चों यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन एक्स ऐसे कैसे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो बी स्केयर प्लस का हो गया बच्चों माइनस का ए स्केयर, और डिवाइड में यहाँ से साइंस के रेक्स कॉमन, साइंस के रेक्स कॉमन अंदर बच गया, बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और सारे का क्या है बच्चों स्केयर रूट। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया साइन एक्स बी स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन साइन स्केयर एक्स का स्केयर रूट आ जाएगा साइन एक्स, और इसका स्केयर रूट ऐसे रहेगा बच्चों बी स्केयर माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट, इससे ये कैंसिल। अब ऊपर पावर वन है और नीचे पावर वन बाय टू है, स्केयर रूट का मतलब वन बाय टू पावर होता है ना, तो यहाँ पे आया डी वाई बाई डी एक्स ऊपर बी स्केयर माइनस ए स्केयर और नीचे बी स्केयर माइनस ए स्केयर की पावर, स्केयर रूट है स्केयर रूट का मतलब वन बाय टू पावर, तो ऊपर एक पावर है नीचे आधी पावर है, तो ऊपर कितने बच गए बच्चों बी स्केयर माइनस ए स्केयर सारे की पावर हाफ, हाफ मीन्स वन बाय टू, हाफ मीन्स यहाँ पे बी स्केयर माइनस ए स्केयर की पावर वन बची और नीचे हाफ थी तो हाफ पावर कट गई, तो हाफ बच गई बच्चों, तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर की पावर हाफ। तो इस तरह से बच्चों स्टेप टू स्टेप आपने संभल के चलना है इन सब में, तो आपसे ये मुश्किल नहीं है, सेम ऐसे ही सभी सम हो जाएंगे हमारे से। इसके बाद हम थर्ड का थर्ड पार्ट पे आ गए हैं बच्चों। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी टेंजेंट एक्स बटे बी माइनस ए टेंजेंट एक्स। यहाँ पे बच्चों y का dy बाई बटे डी एक्स, अगेन यहाँ पे टेन इनवर्स u का फार्मूला, वन बाय वन प्लस यू स्केयर, यू स्केयर मीन्स सारे का स्केयर, इस सारे का स्केयर मीन्स ए प्लस बी टेंजेंट एक्स बटे बी माइनस ए टेंजेंट एक्स, इस सारे का स्केयर है ना बच्चों, यानी इसका भी स्केयर बच्चों, कोशेंट रूल यू अपॉन वी की फॉर्म, नीचे वाले का स्केयर यानी बी माइनस ए टेंजेंट एक्स, इसका स्केयर बी माइनस ए टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे। अब ऊपर वाले का डाटी ए का जीरो और बी टेंजेंट एक्स का बी कॉन्स्टेंट, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्केयर एक्स माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाला क्या है बच्चों a प्लस बी टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे, नीचे वाले का डाटी b का जीरो माइनस a टेंजेंट एक्स का माइनस a कॉन्स्टेंट और टेन एक्स का सीकेंट स्केयर एक्स। इसके बाद बच्चों यहां पे अगेन वन अपॉन, नीचे से एलसीएम हो गया हमारे पास b माइनस a टेंजेंट एक्स सारे का होल स्केयर, जब इसका होल स्केयर एलसीएम आएगा तो ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई बी माइनस ए टेंजेंट एक्स, इसका स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वन इस साइड में ए प्लस बी टेंजेंट एक्स का होल स्केयर, और मल्टीप्लाई में नीचे ये क्या है बी माइनस ए टेंजेंट एक्स का होल स्केयर। अब बच्चों ये बी सी के सीकेंट स्केयर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्केयर सीकेंट स्केयर एक्स, बी सीकेंट एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी टेंजेंट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स, और जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस ए स्केयर सीकेंट स्केयर एक्स बच्चों, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस ए बी टेंजेंट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स बच्चों, ये प्लस कैसे हुआ, माइनस और माइनस प्लस इस तरह से हो गए, एक माइनस ए रहा और एक ए रहा, ये प्लस हो गए दोनों, तो देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए बच्चों, और इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, जो बच गया वो क्या बचा हमारे पास वन अपॉन यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला, ए की टू प्लस बी की टू ए स्केयर टेंजेंट स्केयर एक्स माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी टू इंटू ए बी ए टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे प्लस इसमें ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर टेन स्केयर एक्स प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी में आएगा बच्चों टू ए बी टेंजेंट एक्स, और ऊपर बचेगा बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई में बी सीकेंट स्केयर एक्स, बी स्केयर होगा बच्चों बी स्केयर
secant square x और यहाँ पे a square को secant square x, so secant square x कॉमन आ गया बच्चों, अंदर बचेगा b square plus a square, so यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, हमारे पास जो बचा वो क्या है, ऊपर secant square x b square plus a square डिवाइडेड में यहाँ पे b square plus a square, देखिए बच्चों ये b square plus a square और इसमें से टेन स्केयर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास यहाँ पे बी स्केयर और यहाँ पे बच गया बच्चों प्लस ए स्केयर, और यहाँ से ये फैक्टर कॉमन है बच्चों बी स्केयर प्लस ए स्केयर, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऊपर सीकेंट स्केयर एक्स बी स्केयर प्लस ए स्केयर और नीचे बी स्केयर प्लस ए स्केयर, ये फैक्टर कॉमन, और अंदर बच गया हमारे पास यहाँ पे वन बच गया और यहाँ पे टेंजेंट स्केयर एक्स, और बच्चों इससे ये कैंसिल और सीकेंट स्केयर एक्स बच गया हमारे पास, और वन प्लस टेंथ स्केयर एक्स होता है हमारे पास सीकेंट स्केयर एक्स, टेंथ क्लास का फॉर्मूला, इससे ये कैंसिल, आंसर इज वन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स साइन अल्फा अपॉन वन माइनस एक्स कोस अल्फा। अब बच्चों वाई का होएगा डी वाई बाय डी एक्स, अब ये टेन इनवर्स यू का फार्मूला, टेन इनवर्स यू का फार्मूला तो बच्चों वन बाय वन प्लस यू स्केयर, यानी यू क्या है एक्स साइन अल्फा बटे वन माइनस एक्स कोस अल्फा, इस सारे का स्केयर, यानी इस ऊपर वाले का भी स्केयर और नीचे वाले का भी, इंटू डेरिविटी ऑफ यू, और U का डेरिविटी क्या होगा बच्चों U अपॉन V की फॉर्म है, क्या आएगा इसका नीचे वाले का स्केयर यानी 1 माइनस एक्स कोस अल्फा इसका स्केयर और 1 माइनस एक्स कोस अल्फा एज इट इज, नीचे वाला ऐसे कैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब बच्चों x साइन अल्फा, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं गलती, प्रोडक्ट रूल लगाने लग जाते हैं, यहां पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, क्योंकि साइन अल्फा है ये x नहीं है, अल्फा कांस्टेंट होता है बच्चों, अगर ये एक्स होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता, एक्स और साइन एक्स होता, लेकिन ये अल्फा है, अल्फा मींस कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये साइन अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन अल्फा कांस्टेंट ऐसे कैसे और एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे कैसे एक्स साइन अल्फा ऐसे कैसे, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव वन का जीरो और माइनस कोस अल्फा तो कांस्टेंट है बच्चों, माइनस कोस अल्फा कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो ये आएगा बच्चों इसका डर, कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने लग जाते हैं, गलती कर जाते हैं, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना बच्चों क्योंकि ये अल्फा है कांस्टेंट है, सो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास क्या आएगा बच्चों वन अपॉन, नीचे से एलसीएम आ गया हमारे पास वन माइनस एक्स कोस अल्फा सारे का स्केयर, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एक्स कोस अल्फा सारे का स्केयर प्लस x इसका स्केयर खोलेंगे x स्केयर साइन स्केयर अल्फा मल्टीप्लाई, जब इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा की यहां मल्टीप्लाई करें x साइन अल्फा कोस अल्फा, और बच्चों माइनस और माइनस हो गया प्लस x साइन अल्फा कोस अल्फा, इससे कैंसिल हो गया बच्चों जो बचा, और नीचे इसका स्केयर भी है ना बच्चों वन माइनस एक्स कोस अल्फा सारे का स्केयर, इससे ये कैंसिल हो गया जो बचा ऊपर, तो हमारे पास बचा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर बचा हमारे पास साइन अल्फा और नीचे बचा बच्चों इसमें ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी एक्स का स्केयर कोस स्केयर अल्फा माइनस टू ए बी टू इंटू वन इंटू एक्स कोस अल्फा, और यहाँ पे प्लस एक्स स्केयर साइन स्केयर अल्फा, सो बच्चों एक्स स्केयर वालों में से एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, तो ऊपर साइन अल्फा और नीचे वन प्लस इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये ऐसे कैसे बच्चों माइनस टू एक्स कोस अल्फा, अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन अल्फा ऐसे कैसे नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन और माइनस टू एक्स कोस अल्फा,
दिस इज आवर आंसर बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट दोनों एक जैसे हैं, फिफ्थ पार्ट करवाता हूं बच्चों मैं। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस x इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस 4 साइन x अपॉन 5। सो बच्चों देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको 3 बाय 5, 5 को इसके डाउन में कोस x, इसको माइनस 4 बाय 5 साइन x बोल सकता हूं। सो बच्चों मैंने क्या किया, 3 बाय 5 को अगर मैं कोस ए एज्यूम कर लेता हूं, लेट 3 बाय 5 इज इक्वल टू कोस ए, तो कोस ए अगर 3 बाय 5 है तो साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर। सो और सारे का स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी 3 बाय 5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। सो बच्चों हमारे पास 1 माइनस 9 बटे 25 सारे का स्क्वायर रूट और 25 माइनस 9 बटे 25 सारे का स्क्वायर रूट यानी 16 बटे 25 और सारे का स्क्वायर रूट यानी 4 बटे 5 आया बच्चों, यानी साइन ए हमारे पास कितना है 4 बटे 5। जब मैंने 3 बटे 5 को कोस ए माना तो साइन ए क्या आ गया 4 बटे 5 यानी 4 बटे 5 क्या हो जाएगा साइन ए। तो यहां से ए कितना आ जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू कोस उस साइड आके कोस इनवर्स 3 बाय 5। सो बच्चों यहां पे वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 बाय 5 को मैंने कोस ए अज्यूम किया तो कोस एक्स माइनस 4 बाय 5 साइन ए साइन एक्स। सो बच्चों यहां पे ये फार्मूला बनेगा कोस इनवर्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फार्मूला ए प्लस एक्स का, और आपको पता है बच्चों ये हो गया 1 तो y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। सो y इज इक्वल टू ए क्या है बच्चों मेरे पास कोस इनवर्स 3 बाय 5 प्लस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसका बच्चों 0 और x का 1। सो बच्चों इसको अगर मैं कोस इनवर्स u वाले फार्मूले से करता तो ये निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका सेकंड सिक्स्थ पार्ट, थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, वो है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। सो बच्चों देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 बाय 5 एक्स प्लस 4 बाय 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों सबसे पहले पुट कर लो यहां पे x इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन ए, x को साइन ए पुट किया तो a कितना आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x। सो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 बाय 5 x को साइन ए प्लस 4 बाय 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 बाय 5 साइन x साइन ए और प्लस 4 बाय 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू साइन ए पुट किया बच्चों यहां पे साइन ए रखें ना तो साइन स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बाय 5 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर का रूट आ जाएगा बच्चों हमारे पास कोस ए। अब बच्चों ये सम बिल्कुल सेम ऐसा ही बन गया जैसे मैंने पीछे बनाया था। तो यहां पे अगेन लेट अज्यूम कर लो साइन ए साइन बी बना लिया और ये कोस ए कोस बी हो जाए तो ये कोस ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा तो इसको साइन मान लेते हैं बच्चों। सो 4 बाय 3 बाय 5 साइन ए मान लिया तो कोस ए आ जाएगा हमारे पास इसी तरह से जैसे हमने पहले सोल्व किया ये 3 बाय 5 को साइन ए मान करके तो कोस ए हमारे पास आ जाएगा 4 बाय 5। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इसको साइन ए मान लिया ए तो हमने एज्यूम करके बच्चों इसको बी मान लो साइन बी मान लो यहाँ पे तो कोस बी आ जाएगा हमारे पास क्योंकि ए तो हमने पहले एज्यूम कर लिया ना। सो इसको साइन बी तो कोस बी आ जाएगा हमारे पास 4 बाय 5 तो बी आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स 3 बाय 5। सो बच्चों यहां पे साइन बी को हम 3 बाय 5 और कोस बी को 4 बाय 5 पुट करेंगे तो कोस इनवर्स 3 बाय 5 को साइन बी साइन ए
प्लस 4/5 को कोस बी, कोस बी कोस ए, सो बच्चों यहां पे y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस बी कोस ए प्लस साइन बी साइन ए, यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फार्मूला बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास 1, तो y इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो बच्चों y, a क्या था हमारे पास, a था हमारे पास साइन इनवर्स x, ये देखिए साइन इनवर्स x, और माइनस बी, बी क्या था हमारे पास, बी था हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। सो इसका डेरिवेटिव बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, और माइनस इसका कॉन्स्टेंट एस, इसका डेरिवेटिव 0। सो बच्चों ये थे आज के हमारे इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन बनाने थे, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे।